नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के देवनपुर में ग्राम सचिव के नेतृत्व में शासन की योजनाओं को लेकर ग्रामीणों के साथ की गई बैठक, पात्रों का किया गया चयन। बता दें तो आजमगढ़ के जनपद सगड़ी के तहसील सगड़ी अंतर्गत महाराजगंज विकास खंड क्षेत्र के देवनपुर ग्राम पंचायत में स्थित सामुदायिक मिलन केंद्र पर मंगलवार को ग्राम सचिव वीरेंद्र सोनकर के नेतृत्व में शासन की योजनाओं को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान शासन द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। वहीं पात्रों का चयन कर जल्द से जल्द उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजने की बात कही गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को देवनपुर गांव स्थित सामुदायिक मिलन केंद्र पर ग्राम सचिव वीरेंद्र सोनकर ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने शौचालय योजना, आवास योजना सहित अन्य योजनाओं को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया, साथ ही पात्रों का चयन किया गया। ग्राम सचिव वीरेंद्र सोनकर ने बताया कि शासन की मंशा है कि चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर एक पात्र को मिल सके। उसी क्रम में बैठक करके ग्रामीणों को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए पात्रों का चयन किया गया है। साथ ही स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया गया है और लोगों को स्वच्छता से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी गई है। जी, आज किस तरह की बैठक की गई है आपके द्वारा? ग्राम सभा में शासन द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत बैठक की गई है। गांव में शौचालय के पात्र लाभार्थियों का नाम लिखना है जिनके पास शौचालय नहीं है, और गांव में साफ सफाई के लिए हर घर पे दो प्रकार के जो है गीला कचरा के लिए एक पात्र रखना है और एक जो है सूखा कचरा के लिए रखना है, और जो उसके बाद सफाई कर्मी घर घर जाएंगे और उसको उठा करके ले जा करके एक जगह जो है एकत्रित कर देंगे। क्योंकि गांव ये मार्टर गांव घोषित हो चुका है वित्तीय वर्ष अब की 24-25 के लिए, इसलिए गांव में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण होना है, व्यक्तिगत स्वरूप पीठ का निर्माण होना है, और जो है RRC केंद्र कचरा घर का भी निर्माण होना है, और ताकि गांव का जो है गांव स्वच्छ रहेगा तो परिवार भी स्वच्छ रहेगा, जीवन भी स्वच्छ रहेगा, हर सदस्य भी स्वच्छ रहेंगे। तो स्वच्छता पर शासन का जो है विशेष ध्यान है, इसलिए आज जो बैठक बुलाई गई है ये जो है गांव सभा में जनता को बुला करके सबको जो है बताना है कि आप लोग अपने दरवाजे पर साफ सफाई करें, और जिनके पास शौचालय नहीं है यानी जो शौचालय विहीन परिवार है उनको शौचालय सूची में नाम डालकर चयन करना है, और उनको जो है ऑनलाइन ग्राम पंचायत स्तर पे अथवा ब्लॉक मुख्यालय पर या अन्य सुलभ केंद्र पर ऑनलाइन करा करके उनको शौचालय मुहैया कराना है। आवास की क्या प्रक्रिया चल रही है आपके द्वारा? आवास की क्या प्रक्रिया चल रही है? आज इस समय जो है आवास की प्रक्रिया में विकलांग आवास के लिए पात्रता के आधार पर चयन करना था। जो 40-45 वर्ष की विधवा महिला थी उनके पास यदि आवास नहीं था तो उन्हें आवास में की सूची में नाम सम्मिलित करके ब्लॉक मुख्यालय पर ऑनलाइन करवाना था, और इस समय ऑनलाइन हो चुका है। कितनी शिकायतें आज आई हैं आपके पास? आज हमारे यहाँ जो है व्यक्तिगत शौचालय शौचालय विहीन परिवार के 11 लोगों ने इसमें जो है नाम नोट करवाया है, और आवास के लिए 15 लोगों ने नाम नोट करवाया है जिनके पास आवास नहीं है। अब आवास की पात्रता की जांच होने के उपरांत इनको जो है जो पात्र रहेंगे उनको जो है गांव सभा में जो रजिस्टर बनाया गया है आवास विहीन परिवार का रजिस्टर, उसमें नाम अंकित करके जब आगे साइट खुलेगी आवास की तो उसमें इन लोगों का ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आवास जैसे ही आवास आएंगे उनको आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा।